इतनी ट्रिकी सिचुएशन है। और मेरा ये मानना है, अगर आप पिछले 30 साल का अगर डेटा, हम 1984 से स्टार्ट किया है डेटा को और देख रहे हैं हम इलेक्शन के समय मार्केट का क्या बिहेवियर होता है, तो मार्केट को सिर्फ दो बार सरप्राइज मिली है लास्ट 30 साल में, 2004 में और 2009 में, जब रिजल्ट मार्केट की विपरीत गया था और बड़ा एक फॉल आया था। लेकिन अगर आप उस फॉल 2004 में, 2009 में एक्चुअली मार्केट काफी बढ़ गया, तो उसके 6 महीने के बाद आप देखोगे तो आपको वही दाम पे शेयर वापस मिल गए। तो ये 6 महीने का चक्कर है। ओके, क्या होगा मेरे हिसाब से, ये मेरा मानना है कि अगले 6 महीने में मार्केट एक एस्टिमेट करेगा कि क्या रिजल्ट आने वाला है और उस हिसाब से निफ्टी का आपको बिहेवियर मिलेगा। अगर मार्केट ने ये मान लिया कि अगली सरकार कोएलिशन सरकार बनने वाली है और खास करके वीक कोएलिशन सरकार, जहाँ पे सबसे बड़ी पार्टी के सीट से 150 170 के आसपास आए और 250 की तरह नहीं आए, तो मार्केट मुझे लग रहा है कि मई तक काफ़ी वीक हो जाएगा। और फिर अगर ऐसा रिजल्ट आया तो कोई सरप्राइज नहीं है, कोई रिएक्शन नहीं आएगा। तो ये जिन इन्वेस्टर से आप बात करते हो, इन्होंने वो क्यों मन बना रखा है भारत छोड़ो आंदोलन? मतलब सारे आपके FIs क्लाइंट्स जो है लगातार बेचे जा रहे हैं। ये तो ठीक है कि हमारे लोग थोड़ा समझ गए कि म्यूचुअल फंड के जरिए पैसा लगाना चाहिए, ठीक रहता है, लेकिन इतनी सेलिंग क्यों सर? तो पहली बात तो ये है कि फाइनली हमारे लोग समझ गए, 25 साल से बेच रहे हैं उनके लगातार बेच रहे हैं, बिल्कुल सब शेयर बेच डाले, अब आके खरीद रहे हैं पिछले 3 साल से। तो फाइनली हमारे यहाँ लोग समझ गए हैं कि शेयर में इन्वेस्ट करना चाहिए। दूसरी बात कि समझ गए हैं बड़ी अच्छी तरह से कि जब मार्केट जीत नीचे जाता है तो और खरीदना चाहिए। तो आप सितंबर का अगर डेटा देखिए तो बड़ा सरप्राइज था सबके लिए, क्योंकि सबका ये मानना था कि बाजार इतना गिर गया है सब इन्वेस्टर भाग के खड़े हो जाएंगे, लेकिन नहीं, फ्लो बढ़ा मंथ ऑन मंथ। तो ये एक मेच्योरिटी आ गई है इक्विटी इन्वेस्टर का और ये सबसे बड़ी खबर है। ये जो हम पिछले 3 साल से डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ, ये सबसे बड़ी खबर है इंडिया की। अब रही बात फॉरेनर्स की, तो ये सेलिंग जो हो रहा है पूरा इमर्जिंग मार्केट में हो रहा है। अगर आप इमर्जिंग मार्केट का माहौल देखिए तो बहुत ख़राब है और काफ़ी इमर्जिंग मार्केट्स अब 2017 जनवरी लेवल पे आ गए हैं। तो पूरा 2017 भी उड़ गया, 2018 भी उड़ गया, इंडिया अभी तक नहीं पहुँचा है वहाँ पे, लेकिन काफ़ी इमर्जिंग मार्केट्स में सिचुएशन ख़राब है क्योंकि फेड के इंटरेस्ट रेट्स के कारण, डॉलर के बढ़ने से के कारण और थोड़ा ग्रोथ स्लोडाउन के कारण उनके यहाँ काफ़ी शेयर के दाम में बिकवाली हुई है। तो ये टर्न हो सकता है क्योंकि अब जो वैल्यू गैप है, जिसे हम कहते हैं वैल्यूएशन गैप, डेवलप मार्केट्स और इमर्जिंग मार्केट्स में वो काफ़ी बढ़ गई है। तो हो सकता है कि इमर्जिंग मार्केट में अगले 6-8 महीने में फ्लोज वापस आ जाए, अगर आ गए तो इंडिया में भी आ जाएंगे। ओके, दूसरी बात जो इंडिया की फैक्टर है वो है कि अगर आप 3-4 साल पहले की बात देखें तो इंडिया का जो पोजीशन था वो हाईएस्ट लेवल पे था और वहाँ से थोड़ा सा कम हो गया है, क्योंकि इंडिया पे लोग 8 परसेंटेज पॉइंट्स ज़्यादा इन्वेस्ट किए थे इंडेक्स के वेटिंग के मुकाबले। तो इंडिया का इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स में वेट आज करीबन 9% के आसपास है, तो 9+8 17% पोर्टफोलियो के इंडिया में थे, ज्यादा हो गया था। तो उन्होंने वहां से काट के अब 11 कर दिया है। अभी भी 200 बेसिस पॉइंट्स ओवरवेट ही है, लेकिन अब वो 17 से, इसलिए इंडिया में आपको ज्यादा सेलिंग दिखाई दी है। तो अलग अलग मॉडल्स भी बनाती है टारगेट्स। तो बेस्ट केस सिनेरियो, वर्स्ट केस सिनेरियो में क्या निफ्टी सेंसेक्स के टारगेट्स आप लेकर चल रहे हैं? तो एक रेंज है और मुझे लग रहा है कि उस रेंज के हिसाब से अगर आप आज से निफ्टी का वर्स्ट टारगेट करीबन 10% डाउनसाइड दिखा रहा है और बेस्ट जो है यहाँ से करीबन अगले साल की बात होगी करीबन 20-25% ऊपर जा सकते हैं। वैसे तो क्योंकि आप तो रिसर्च के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं तो सारी जानकारी और सारी नॉलेज आपके पास है, लेकिन मुझे ये पता है कि बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज ये थोड़ा आपके दिल के नज़दीक भी है जिस पर बड़ी गहरी रिसर्च है। तो ये सारा जो इस सेक्टर को लेके अभी माहौल है और स्पेशली NBFC को लेके बड़ा डर है, ज़रूरत से ज़्यादा नहीं हो गया ये? सी, दो चीज़ें हैं इसमें कि अगर आप NBFCs के शेयर के जो दाम है, वैल्यूएशन जो है वो बहुत बढ़ गए थे और कुछ कुछ स्टॉक्स 4 या 5 टाइम बुक पे ट्रेड कर रहे थे, ये वैल्यूएशन कुछ ज़्यादा ही हो गया था, तो वहाँ से करेक्ट होना ज़रूरी था, ट्रिगर नहीं था। आपको सितंबर में एक ट्रिगर मिल गया राइट कि लिक्विडिटी का प्रॉब्लम है। ओके, जो लिक्विडिटी का प्रॉब्लम है वो रियल है, वो था। अब सरकार और RBI ने मिलके
काफ़ी इंटरवेंशन किया है, क्योंकि सरकार ने क्या किया कि पहले तो उनका जो बोरोइंग प्रोग्राम था, कर्ज का जो प्रोग्राम था, वो 70,000 करोड़ से कम किया। आरबीआई ने ये महीने में कुल मिला के 34,000 करोड़ का ओपन मार्केट ऑपरेशन कर दिया है, मतलब बॉन्ड्स खरीदे हैं, और 12,000 करोड़ करेंगे। उन्होंने ऑलरेडी बोल दिया था 46,000 करोड़। 45,000 करोड़ SBI NBFC पेपर में डाल रहे हैं, और आज वापस RBI ने और थोड़े लिमिट्स बढ़ा दिए हैं। तो कुल मिला के कुछ 1.5 से 2 लाख करोड़ की लिक्विडिटी बाजार में डाल दी है, भयंकर लिक्विडिटी है। ओके, तो आपको फ़ायदा क्या हुआ कि थोड़ा सा NBFC में एक क्राइसिस जैसा माहौल आ गया, और सरकार और RBI ने मिल के 1.5-2 लाख करोड़, ये छोटा पैसा नहीं है, जैसे ही सेंटिमेंट टर्न होगा ना, आपको ये शेयर के दाम में रिफ्लेक्ट होगा। ये पहली बात। दूसरी बात यह है कि NBFC का जो ग्रोथ चल रहा था कुछ ज़्यादा ही चल रहा था, और एक टर्मिनोलॉजी अभी आई है बाहर जिसको एसेट लायबिलिटी मिसमैच कहते हैं। तो ये क्या है, सिंपल सी बात है, आप 3 महीने के लिए पैसा डिपॉजिट में लेते हो या बॉन्ड में लेते हो, और उसको 10 साल के लिए उधार दे देते, तो इसको ड्यूरेशन मिसमैच कहते हैं, राइट। तो इसमें क्या होता है, अगर 3 महीने के बाद आपको वापस वो पैसा नहीं मिला, हाँ, तो फिर वो आप उधार को रख नहीं पाओगे, तो इमीडिएटली आपके बैलेंस शीट पे स्ट्रेस आ जाता है। तो ये मॉडल था NBFC का, क्योंकि क्या होता है कि 10 साल का जो पैसा है, या 5 साल का है, या 2 साल का भी पैसा है, उसमें इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होता है, जैसे कि 8% होता है। 3 महीने का पैसा आपको 6% में मिलता है, तो आपको 2 परसेंटेज पॉइंट का बेनिफिट लेने के लिए छोटी ड्यूरेशन, तो एसेट लायबिलिटी मिसमैच करते हैं। वो जो है ना, वो अभी मेरे हिसाब से ये अभी आगे जाके नहीं होगा, क्योंकि RBI ने भी कह दिया था मॉनेटरी पॉलिसी के टाइम पे, और NBFC में भी अवेयरनेस आ गई कि ये ज़्यादा नहीं चल सकता है, तो उससे लेके ग्रोथ कम ज़रूर होगा। जैसे कि अभी कोई NBFC 30% का ग्रोथ कर रही थी, वो ग्रोथ अभी स्लो डाउन होकर 15-20 हो जाएगा। अब शेयर मार्केट को तुरंत समझ में आ गया, तो आपने शेयर के दाम भी कम कर दिए उस हिसाब से, तो काफ़ी NBFC के दाम भी उस हिसाब से गिर गए हैं। लेकिन चूँकि ओवर ओनरशिप था, क्योंकि बहुत सारे इन्वेस्टर्स उसमें शामिल थे, और वैल्यूएशन बहुत महंगे थे, यहाँ पे इसको थोड़ा सा टाइम समय लगेगा सेटल होने में। जो अच्छे NBFC है, जिनके अच्छे बिजनेस मॉडल्स है, जो कंज्यूमर लेंडिंग करते हैं, उनके शेयर अगर गिरे हुए हों तो मेरे हिसाब से वो लेने चाहिए। हालांकि हमारा ये व्यू पिछले 6-8 महीनों से चल रहा है कि कॉर्पोरेट और रिटेल बैंक में ज्यादा फोकस होना चाहिए और NBFC में कम होना चाहिए, क्योंकि रेट बढ़ रहे थे, और जब भी रेट का साइकिल बढ़ता है तो ये जिसको हम होलसेल फंडर्स कहते हैं, उनके हमेशा मार्जिन में स्ट्रेस आता है, तो वो तो आना ही था, तो वो अभी ये ट्रिगर आ गया और वो स्ट्रेस आने लगा। रिटेल और कॉर्पोरेट बैंक में वो लोग पब्लिक से डिपॉजिट लेते हैं, वो डिपॉजिट की मैच्योरिटी 1 साल की होती है, तो उन्हें काफ़ी कंफर्ट होता है जब ब्याज के दर ऊपर जाते हैं। तो आज भी हमारा मानना है कि रिटेल और कॉर्पोरेट बैंक में ज़्यादा ध्यान दीजिए। कॉर्पोरेट बैंक में हमें लग रहा है कि NPLs जो थे वो पीकआउट हो गए, और यहाँ से गिरेंगे तो आपको बढ़िया अर्निंग्स ग्रोथ मिलेगा, और रिटेल में तो वैसे भी अच्छा चल रहा था, तो ये 2 सेक्टर्स सब सेक्टर में फोकस कीजिए। तीसरा एक सब सेक्टर है कैपिटल मार्केट बिजनेसेस, जैसे इंश्योरेंस है, मुझे वहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है। आई थिंक जो सेविंग का माहौल है इंडिया में वो काफ़ी पॉजिटिव है, तो इंश्योरेंस सेक्टर में काफ़ी ग्रोथ आएगा। सो बैंक्स, NBFC, फाइनेंशियल सर्विसेज तो आपने सेलेक्टिवली बता दिया अब, और आप एक चीज़ ये भी साफ करें कि अब से लेकर इलेक्शन तक ये टाइम है पोर्टफोलियो बनाने का, राइट। तो जब ये पोर्टफोलियो बना रहे हैं तो कहाँ कहाँ ध्यान रखना है, क्या क्या खरीदना है, किस तरह के सेक्टर स्टॉक्स? दूसरा सेक्टर है कंजम्पशन, और वहाँ पे वैल्यूएशन काफ़ी नीचे आ गए हैं, कुछ जगहों में नहीं आए हैं, खास करके कुछ लार्ज कैप कंजम्पशन स्टॉक्स अभी तक गिरे नहीं है, लेकिन काफ़ी मिड और स्मॉल कैप कंजम्पशन स्टॉक्स 30-40-50% गिर गए हैं। मुझे लग रहा है कि वैल्यूएशन काफ़ी एडजस्ट हो गए। इंडिया की जो लॉन्ग टर्म कंजम्पशन स्टोरी है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि हमारे यहाँ पर कैपिटा इनकम ग्रोथ हो रहा है। आज $1,700 का इनकम है, 10 साल में ये 4,000 के करीब हो जाएगा। अब मैं छोटी सी बात बताऊँ, $1,700 में से आधा पैसा जो एवरेज इंडियन है वो फूड पे, मतलब रोज के खाने पे इस्तेमाल करता है, तो बाकी बचा बहुत कम है और ख़रीदने के लिए। लेकिन जब $4,000 का जो इनकम हो जाएगा तो खाने पे जो है ना वो वही रहेगा 850, क्योंकि आप उतना ही खा सकते हो, उससे ज़्यादा खा नहीं सकते। तो आपको जो बाकी चीज़ों पे खर्चा करने के लिए, जैसे मीडिया, एंटरटेनमेंट, ट्रैवल, टूरिज्म, एजुकेशन, कपड़े,
गाड़ियाँ, ये सब पे आप ज़्यादा खर्चा कर पाओगे। तो जैसे हमारा ये मानना है कि 2027 तक इंडिया विल बी द बिगेस्ट कार मार्केट इन द वर्ल्ड इंक्रीमेंटली, ओके, एंड इट विल बिकम द बिगेस्ट मार्केट फॉर लॉट ऑफ थिंग्स, बहुत सारी कंजम्पशन आइटम्स के लिए बिग हो जाएगी। तो अब ये शेयर के दाम नीचे आ गए हैं, तो आई थिंक एक अपॉर्चुनिटी बनता है, तो कंजम्पशन। तीसरा ये सेक्टर है इंडस्ट्रियल्स, क्योंकि मेरा मानना है कि अगले 12-18 महीनों में प्राइवेट कैपेक्स वापस आएगा, तो एक बार इंडस्ट्रियल पे भी एक बार तेजी आ जाएगी, और वहाँ पे भी मिड और स्मॉल कैप में काफ़ी मंदी हो गई है और काफ़ी इंडस्ट्रियल्स बुक वैल्यू के नीचे ट्रेड होने लगे हैं, तो मुझे लग रहा है वहाँ पे भी अपॉर्चुनिटी है। और कौन सी ऐसी थीम्स हैं जिनके तो इधर तो देखना भी नहीं, छूना भी मत? ये छूना ऐसा नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है कि टेक्नोलॉजी सेक्टर में हो गया है, बहुत तेजी हो गई है ये साल पिछले साल मिला के, और रूपी के पीछे बहुत टेक्नोलॉजी शेयर्स चल गए हैं, तो वहाँ पे आप सिलेक्टिव हो जाइए। फार्मा में हमेशा सिलेक्टिव बॉटम अप स्टॉक पिकिंग का अप्रोच था, टॉप डाउन स्टोरी नहीं बनती है वहाँ पे। और जो ग्लोबल सेक्टर्स है एनर्जी मटेरियल्स, उसमें मेरा ध्यान उतना तेजी वाला नहीं है। बस आखिरी सवाल, चूँकि आप इतनी बड़ी FIIs के लीडर हैं, तो ये हमें है ना बहुत डर लग रहा है कि कहीं ये ट्रंप वाला वॉर वाली सिचुएशन और ये कहीं वो 2008 वाली सिचुएशन ऐसा तो नहीं है ना इस बार, क्योंकि 10 साल से ग्लोबल मार्केट में कोई ढंगदान की मंदी हुई नहीं है, तो बहुत लोगों को वो डर है, वो डर रखना चाहिए नहीं? तो हमारा ये मानना है कि US मार्केट्स जो है ना वो थोड़े प्रेशर में रहेंगे, और कारण ये है कि जो अर्निंग्स है अमेरिका में वो पीक पे है। अगर आप देखिए, एक हम मेट्रिक को मेजर करते हैं जिसे प्रॉफिट शेयर इन GDP कहते हैं, कि कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स GDP के मुकाबले कितना बना रहे हैं, तो अमेरिका में ये नंबर करीबन 12 के आसपास है, 12%, इंडिया में ये 3 है। तो इंडिया का 3-6 होने की आकांक्षा है हमारी, हमारा मानना है कि अगले 5 साल में 3-6 हो जाएगा, अमेरिका में जो है 12 वहाँ से गिरेगा। तो प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो अमेरिका में एक प्रॉब्लम है। तो हमारे US जो एक्विटी स्ट्रेटजिस्ट है उनका ये मानना है कि US स्टॉक मार्केट्स का थोड़ा डिफिकल्ट सिचुएशन है अगले 12 महीने के लिए। रही बात ट्रेड वॉर की, इसमें थोड़ा सा डाउनसाइड आ सकता है, पर एक्चुअली इंडिया काफ़ी प्रोटेक्टेड है इसमें, क्योंकि इंडिया का ज़्यादा ट्रेड नहीं है, ओके, और एक्चुअली इंडिया का अमेरिका के साथ ट्रेड सरप्लस है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा नहीं है कि चाइना की तरह नहीं है सिचुएशन। तो ये अमेरिका और चाइना का मामला है, इसमें इंडिया का कुछ लेना देना है, इंडिया का थोड़ा सा फ़ायदा भी हो सकता है। अच्छा रिदम सर, आखिर में एक कोई मैसेज जो हिंदुस्तान के रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए, भाई कि इस तरह के माहौल में जहाँ डर वगैरह है, क्या करना चाहिए? नहीं, जैसे मैंने आगे भी कहा कि जब फियर का मैक्सिमम पॉइंट होता है तब रिटर्न का भी मैक्सिमम पॉइंट होता है, तो भय से आप जीतो और शेयर में पैसा डाल लगाओ, थोड़ा सा हमेशा कैश रखने का, सब कैश नहीं एक्सटिंग्विश करने का, सब कैश नहीं चला देने का, और अपॉर्चुनिटीज आते रहेंगे तो यू कैन कीप इन्वेस्टिंग। बहुत बहुत शुक्रिया रिदम सर जी बिजनेस के लिए वक्त निकालने के लिए और अपनी बहुमूल्य राय हमारे दर्शकों को देने के लिए। थैंक यू, एक बार फिर से हैप्पी दिवाली आपको। तो